ठाकर है, चाकर बनना नहीं चाहते, भर बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपकी सारी शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाएगी। चाहे गठिया है, अस्थमा है, डायबिटीज है, कोई है, एक ही नहीं लाखों की हो रही है, मगर इस आराधना में अगर कहीं रुकावट आएगी ना, उसको मैं क्लियर कर दो पहले, तो उसमें एक ही शर्त आपको परेशान कर सकती है, अगर गुरु के प्रति समर्पित तो नहीं हुआ, अहम खत्म नहीं हुआ। त्रेता युग को एक उदाहरण दे दो, राजा जनक जो है तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, बहुत से धर्माचार्य को बुला लिया, पारनी पड़ी, उधर से अष्टावक्र जी भी पधार गए, तो जनक ने कहा महाराज ये समस्या मेरी, ये गुरु तो नहीं बता सके, तो इसका समाधान कर दो। कहने लगा इसमें राजन दिक्कत तो कोई है ही नहीं, तो कहने लगा समय कितना लग जाएगा, तो कहने लगे समय में तो एक क्षण का भी नहीं लगेगा, घोड़े की एक रकाब में पैर रख दूसरे में नहीं रख सकेगा, मगर शर्त यह है कि तेरा अहम खत्म हो जाए। तो भैया कोई अहम है, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लखपति हो, करोड़पति हो, उच्च वर्ण हो, फला हो, तो मामला पार नहीं पड़ेगा। ये ज्ञान तो झुके मांगने से मिलता, इसकी कीमत तो केवल झुकना है, और वो भी अंदर से दिखावे से नहीं, और दंडवत कर लो दिखाना मेरा अंदर कुछ और, तो पार नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में जब एक पंडित जी आया करते तो मेरे पास मुखिया, ब्राह्मणों में सबसे उच्च थे इसलिए वो मुखिया कहलाते थे, छोटा सा रूम था, अंदर घुसते ही नाक रगड़ते हुए आते, दंडवत करते हुए, मैं उनको कहता मुखिया जी शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो, अंदर से झुकना सीख लो, छह महीने आए नहीं सीखी। तो भैया ये तो मांग है, झुक के मांगना है, मेरे गुरु का आदेश है, तेरे दरवाजे से खाली में जा। अब पात्री उल्टा रखोगे किस में डालूंगा, सीधा रखोगे तो सब फैसला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तत्काल हो जाएगा, अब भी हो जाएगा, समय नहीं लगेगा, 24 घंटे का समय नहीं दूंगा। इसलिए नामदेव से जो पुनर्जन्म योग करवाएगी उससे सारे शारीरिक रोग खत्म, अब मानसिक रोग भी खत्म हो रहे।